हेलो फ्रेंड्स, मूंगफली की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो पर हम मूंगफली की उन्नत खेती की ए टू जेड जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे प्रति एकड़ सीड्स की जरूरत, उन्नत हाइब्रिड बेस्ट वैरायटी एवं प्रति एकड़ जो आप उत्पादन लेते हैं उसको आप और कैसे बढ़ा सकते हैं, एवं बीज उपचार सीड्स ट्रीटमेंट हमको कौन सी फफूंदनाशक से करना चाहिए, मूंगफली की खेती कब और कैसे करना चाहिए, लगने वाले डिजीज कीट फंगस और जो खाद देनी चाहिए, और मूंगफली की फसल की लाइफ साइकिल कितने दिन की है, यानी बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक कितने दिनों पर यह फसल तैयार हो जाती है, एवं पीलापन की जो समस्या आती है तो पीलापन को आप कैसे दूर कर सकते हैं, और कंद फलियों के विकास के लिए एवं ज्यादा पैदावार के लिए कब कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और कितनी मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए, साथ ही बात करेंगे तापमान और अनुकूल क्लाइमेट्स मूंगफली के लिए आवश्यक होता है। इन सभी की जानकारी के लिए एवं मूंगफली की फसल पर आने वाली सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों। जन और जायद के सीजन पर उगाई जाती है। अगर एक्यूरेट टाइमिंग की बात करें तो इसको आप खरीफ के लिए जून जुलाई पर बुआई कर सकते हैं, और जायद के लिए आप मार्च अप्रैल महीने पर आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं, और दक्षिण भारत पर तीनों मौसम पर आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। मूंगफली फसल के लिए तापमान, मौसम यानी क्लाइमेट्स कंडीशन एंड सोयल, तो मूंगफली की खेती के लिए जो अनुकूल और सूटेबल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से 35-36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की आवश्यकता काफ़ी अनुकूल। मीडियम हल्की मिट्टी पर आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। पीएच वैल्यू की बात करें तो मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 के आसपास चल जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। अंग्लिटोन के बारे में, तो मूंगफली का उत्पादन 14 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है, लेकिन जो खाद हैं, दवाइयों का जो शेड्यूल है, मेंटेनेंस के अभाव के कारण फंगस जनित बीमारियों के चलते और कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं हमारी मूंगफली की फसल पर, कुछ ऐसे कीट आते हैं, यानी ठीक नॉलेज ना होने के कारण किसान भाइयों के पैसे भी खर्च हो जाते हैं और प्रॉपर खाद दवाइयों पर रिजल्ट भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम ऐसी सस्ती से सस्ती मूंगफली की फसल के लिए बेस्ट रिजल्ट देने वाली खादों के बारे में भी हम आगे चल के बतलाने वाले हैं, तो इस वीडियो पर आप बने रहिए। मूंगफली क्रॉप के लिए खेत की तैयारी, गहरा में चलने वाले हल प्लाउ से आपको पहली जुताई कराना है, और प्लाउ चलने से जो मोथा घास है वह आगे चलकर हमारी फसलों पर काफ़ी ज़्यादा फसल ग्रोथ में रुकावट पैदा करने वाला है। तो प्लाउ चलवाने से या फिर जो तूता हल है, मोथा घास की जड़ें गांठें तेज धूप लगने से सूख जाएंगी, एवं प्लाउ चलवाने के बाद कम से कम 15 दिनों से लेकर 30 दिनों की तेज धूप लगवाएं, एवं बाद में कल्टीवेटर पाटा लगवाकर खेत को समतल बराबर कराएं, और अंतिम जुताई से पहले जो बेसल डोज है, जो खाद है, 3 से 4 ट्राली देसी गोबर की खाद, 50 किलोग्राम डीएपी खाद को और 100 किलोग्राम 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली खाद को 2 बैग और 30 से 40 किलोग्राम एमओपी 60% वाली म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है। और जिन खेतों पर वाइट ग्रब सफ़ेद कीड़ा की समस्या आती है, वे किसान भाई 5 किलोग्राम इसी कॉम्बिनेशन पर फिप्रोनल 0.3% जो जीआर दानेदार सिस्टम कीटनाशक है, इसको भी आप मिक्स करके उपयुक्त सभी खादों का मिश्रण तैयार करके खेत में बिखेर कर फिर आपको रोटोवेटर से खेत को समतल बराबर कराना है। लीजिए, आपका खेत एकदम तैयार हो गया। मूंगफली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व, तो मूंगफली की फसल के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और क्या आपको पता है कि मूंगफली एक जड़ संबंधित कंद वर्गीय क्रॉप है, तो इस पर सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन जितनी फास्फोरस की आवश्यकता होती है उतनी ही सल्फर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मूंगफली एक तिलहनी क्रॉप है और तेल की प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाती है। तो सल्फर की आवश्यकता पड़ती है और फास्फोरस की उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। तो सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए मार्केट में यदि कोई सस्ता सा ऑप्शन है तो वो है जिप्सम। अब जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम। अब जिप्सम पर सल्फर 13.5% का कंटेंट है और कैल्शियम की मात्रा है लगभग 19%। तो जिप्सम आप मार्केट से खरीद सकते हैं, ये सस्ता भी होता है, काफी अच्छा होता है। अब जिप्सम की पूर्ति आप खाली खेतों पर यानी
खेत तैयार करते समय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मात्रा है वो पीएच वैल्यू पर निर्भर करती है। यदि 7 से अधिक मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है 7 से अधिक है तो उन ज़मीनों पर और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो वैसे यदि आप पीएच नहीं करवाना चाहते तो अभी आप 1 एकड़ पर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को आप समतल करा दीजिए, क्योंकि आगे चल के मूंगफली की फसल पर सल्फर की बहुत ही बड़ी मात्रा पर आवश्यकता पड़ने वाली है। इस पोषक तत्वों को आप मूंगफली की फसल पर बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो मूंगफली की फसल पर जिप्सम का आप प्रयोग कर सकते हैं और इस पर सब्सिडी भी मिलती है, सस्ता भी है और मार्केट पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो 50 किलोग्राम का जो कट्टा आता है उसको आपको 1 एकड़ पर प्रयोग कर सकते हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो। आप 16 इंच पर बुआई करते हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। 10 किलोग्राम बीजों को आप 50 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंगो जब 63% WP फफूंदनाशक से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं, या फिर आपकी मूंगफली की फसल पर पिछले सालों से करते आ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या आती है रूट रॉट की, कॉलर रॉट की और एंथ्रेक्नोज जैसे फंगस को ज़्यादा ही आते हैं, तो आप कार्बेंडाजिम मैंगो जब फफूंदनाशक से बीज उपचार ना करके आप पारा क्लोस्ट्रोबिन 5% प्लस थायोफेंट मिथाइल जो 45% FS फॉर्म में आती है, 10 किलोग्राम बीजों को 20 ml की दर से आपको बीज उपचार करना है और बीज उपचार करने के बाद छांव पर लगभग 40 मिनट तक छांव पर सुखाएं और आपको बुआई कर देना है। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, सोइंग डिस्टेंस। तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है 16 इंच रखनी है एवं प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस रखना है 2 से 3 इंच, और मूंगफली की बुआई करते समय कितनी गहराई पर बुआई करें तो 2 से लेकर 2.5 इंच की गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। मूंगफली की बुआई अलग अलग मेथड अलग अलग विधियों से की जाती है, उसके अनुसार ही एक निश्चित मात्रा के अनुसार बीजों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप बेड बनाकर बुआई करते हैं तो कम सीड्स की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है और उपज भी अधिक निकलेगी और आप मूंगफली की खेती ड्रिप में भी कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उन्नत किस्में। तो हर वैरायटी प्रत्येक राज्यों के क्लाइमेट्स के अनुसार हर जगह सूटेबल तो हो ही नहीं सकती हैं। तो किस्में हैं वह मौसम, जलवायु, मिट्टी, टेम्परेचर, टाइमिंग के अनुसार ही एरिया वाइज बेस्ट किस्मों का आपको चयन करना चाहिए। जैसे चाइना वैरायटी G10 एवं TVZ39, GJ32 एवं CGM1 के साथ साथ वटानी एवं KL1812 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, एवं जायद के लिए RG141 TAG24 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और यदि आपके हिसाब से कोई बेस्ट वैरायटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपने अधिकतम मूंगफली का कितना उत्पादन लिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मूंगफली फसल का जीवन चक्र लाइफ साइकिल, मूंगफली क्रॉप बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक 120 से 125 दिन पर फसल तैयार हो जाती है। सोइंग के बाद पहला काम खरपतवार की रोकथाम, खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार की आप रोकथाम मशीनरी यंत्रों से भी कर सकते हैं, मजदूरों की सहायता से कर सकते हैं और रासायनिक विधि से भी आप कर सकते हैं। रासायनिक विधि के लिए आप प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। पेंडामेथिलीन 30% EC को 200 लीटर पानी में 1 लीटर घोल करके आपको प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। कब करना है? बुआई के 2 दिनों के अंदर। हम तो कहते हैं जैसे ही आपने बुआई की है उसके बाद पेंडामेथिलीन 1 लीटर 1 एकड़ पर स्प्रे कर दीजिए 200 लीटर पानी में, यानी बुआई के तुरंत बाद यदि आप स्प्रे करते हैं तो 40 दिनों तक बुआई से लेके 40 दिनों तक जो खरपतवार हैं वह नहीं उगेंगे। यदि मान लीजिए आपने प्री इमर्जेंट यानी बुआई के समय प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं कर पाए हैं तो आप पोस्ट इमर्जेंट खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब पोस्ट इमर्जेंट का मतलब है कि बुआई से जब आपकी फसल यानी उग जाने के बाद लगभग 20 से 25 दिन की होती है तब आप खरपतवार नाशक या फिर 3 से 4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों मूंगफली की फसल पर, तब आपको सिंचाई करके खरपतवार नाशक को निश्चित मात्रा पर सावधानी पूर्वक ही स्प्रे करना चाहिए। तो आपको स्प्रे करना है प्रोपाक्विजा फॉप 2.5% प्लस एमोजी थापर 3.75% को आप स्प्रे कर सकते हैं 800 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर, या फिर एमोजी थापर 10% EC खरपतवार नाशक को 200 लीटर पानी में 300 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए। मूंगफली की
की फसल पर यदि कोई जिद्दी खरपतवार है तो वो है मोथा घास। मोथा घास की रोकथाम हमने खेत की तैयारी करते समय ही बताया था कि गहराई में चलने वाले तोता हाल या फिर प्लाऊ से आपको मिट्टी को पलटने वाले हल से मिट्टी को पलटवा दीजिए। जो मोथा घास की गांठ है वो मिट्टी के अंदर रहती हैं, तो मिट्टी को पलटवाने वाले हल से यदि आपकी खेत की तैयारी कराते हैं तो तेज़ धूप लगने से मोथा घास की गांठें जड़ें सूख जाएंगी और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि मूंगफली की फसल पर मोथा घास की रोकथाम करनी है तो कोई भी सेलेक्टिव खरपतवार नाशक मोथा घास पर काम करने वाली नहीं है। तो याद रखना, खेत की तैयारी आपको मिट्टी को पलटने वाले हल से ही कराना है। ऐसी मोथा घास की कोई दवा नहीं है सेलेक्टिव के तौर पर जो हमारे खेत पर जड़ से मोथा घास की रोकथाम कर सके। मूंगफली फसल पर पीलापन की समस्या, तो पीलापन कई कारणों से आता है। सल्फर की कमी के कारण हम नाइट्रोजन की यूरिया से पूर्ति भी करते हैं तो अभी पीलापन दूर नहीं होता है। सल्फर की कमी के कारण भी तीव्र गति से पीलापन फैलता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण। और जो हम न्यूट्रियन देते हैं बेसल डोज के रूप में, यदि न्यूट्रियन की कमी के कारण भी गोबर की खाद नहीं देते हैं और बुआई के समय ही हम भरपूर मात्रा पर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो हमारी फसल पर पीलापन बना रहता है। और फंगस की समस्या के कारण भी पीलापन रहता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण एवं रस चूसक कीट माहू एफेट के प्रकोप के कारण भी मूंगफली की फसल पर पीलापन बना रहता है। इसकी कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं, तो बुआई के समय आपको पर्याप्त मात्रा पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। पहली बात, नाइट्रोजन और सल्फर का प्रयोग आप जल्दी से जल्दी करें। रस चूसक कीटों के अटैक पर विशेष ध्यान रखना है जो कि तने के पास और पत्तियों के निचले सतह पर सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है। रोकथाम करने के लिए आप बेस्ट जो कीटनाशक है थर्मोथॉक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर इमीडा क्लोप्रेड 1.8% प्लस एसिफेट 50% WP को 15 लीटर पानी में 35 ग्राम की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि खरीफ सीजन पर बुआई के बाद बारिश ना हो तो आपको स्प्रिंकलर से या फिर ड्रिप से जो भी व्यवस्था है उससे आपको सिंचाई करना चाहिए। एरिगेशन का जो मेंटेनेंस है उसको आपको सुधार के रखना है, यानी आवश्यकता अनुसार समय समय पर आपको सिंचाई करना है। और यदि आप खरीफ सीजन पर खेती कर रहे हैं और यदि फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी मूंगफली क्रॉप है, प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है, तो आपको विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान रखना है, सिंचाई आपको करना है। मूंगफली की क्रॉप पर आने वाले फंगस और उनकी रोकथाम, तो फंगस आते हैं जैसे लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, विलाइट एवं रूट रॉट के साथ साथ कॉलर रोट और रस्ट की समस्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और जो लीफ स्पॉट है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो स्प्रे मूंगफली पर सस्ता हो, अच्छा हो, तो उसके लिए आप टेबुकोनोजॉल 10% प्लस सल्फर 65% WG फफूंदनाशक आती है 40 ग्राम 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कैप्टन 70% और हेक्साकोनोजॉल का जो कॉम्बिनेशन आता है WP फॉर्म में फफूंदनाशक को 40 ग्राम 15 लीटर पानी में आप घोल सकते हैं। और फर्स्ट स्प्रे पर हम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब और सेकंड स्प्रे पर टेबुकोनोजॉल और सल्फर को लेने वाले हैं। मूंगफली की फसल पर माहू यानी एफिड रस चूसक कीट की रोकथाम, दिन ब दिन यह जो समस्या है रस चूसक कीट माहू एफिड की काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए जो बेस्ट सबसे बढ़िया जो सस्ते पर ऑप्शन है, आप प्रॉपर जो खाद है और सिंचाई का मेंटेनेंस आपको सुधार कर रखना है, सही टाइम पर सही न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। और भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। पैक्लोबुटराजोल जो 40% SC फॉर्म में आती है इसका स्प्रे करना है 30 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। आप कब स्प्रे करना है यह जानकारी आपको स्प्रे शेड्यूल पर मिलने वाली है। जैसे मार्केट पर मैपिक्वाट क्लोराइड या फिर क्लोरमैक्विट क्लोराइड भी आता है लेकिन हाई टेम्परेचर की दशा पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। और जो हम आपको प्रैक्टिकली जानकारी बता रहे हैं कि पैक्लोबुटराजोल चाहो 23% वाला या फिर 40% वाला का आप स्प्रे करते हैं तो यह जो PGR है इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। कंद का यानी फलियों का साइज, दानों का साइज बढ़ाने के लिए एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए मूंगफली की फसल पर पैक्लोबुटराजोल का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूंगफली की फसल पर लगने वाले कीट कुछ इस प्रकार हैं, एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी और कुछ इलाकों पर थिप्स का भी प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। वैसे हरी इल्ली और जड़ों को काटने वाले कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और फंगस का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है जो हमने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे, तो
फर्स्ट स्प्रे हमको कब करना चाहिए। मूंगफली की फसल बुआई से 25 से 30 दिन की होती है तो हमको पहला स्प्रे करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे पर प्रोफेनोफॉस 40% प्लस सापरमेथ्रिन 4% ईसी को 35 ml लेना है और इसके साथ मिक्स करना है। कार्बेंडाजेम 12% प्लस मैंगोजेब 63% WP फफूंदनाशक को लेना है 40 ग्राम और इसके साथ एक वाटर सेल्युबल घुलनशील खाद 19 19 19 को 100 ग्राम लेना है और किसी अच्छी कंपनी का स्टीकर 15 लीटर पानी में घोल करके स्टीकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। ये था फर्स्ट स्प्रे। बात कर लेते हैं सेकंड स्प्रे के बारे में। तो मूंगफली की फसल बुआई से 45 से 50 दिन की होती है तो हमको इमीडा क्लोप्रेट और वीटा साइफ्लोथ्रीन का जो कॉम्बिनेशन आता है ईसी इंसेक्टिसाइड को 12 ml लेना है और टेबुकोनोजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फफूंदनाशक को 40 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट को 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आप कर देना है। मूंगफली की फसल पर जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो सिलिकॉन चिपको यानी स्टीकर मिक्स करके ही स्प्रे करना चाहिए जिससे जो घोल है जो स्प्रे है लंबे समय तक हमको रिजल्ट प्राप्त होगा और पत्तों पर ठीक तरीके से चिपक जाएगा। थर्ड स्प्रे, तो मूंगफली की फसल 65 से 70 दिन की होती है तो हमको तीसरा स्प्रे करना चाहिए। तीसरे स्प्रे पर पेक्लोबुटराजोल 40% SC 3 ml लेना है और क्विनलफॉस 25% EC को हमको लेना है 40 ml। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पेक्लोबुटराजोल स्प्रे करने से फलियों की दानों की साइज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एरीगेशन सिस्टम के बारे में। गर्मियों के दिनों पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए और यदि आप खरीफ सीजन पर मूंगफली की खेती कर रहे हैं और बरसात नहीं हो रही है तो आपको स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद के शेड्यूल के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हम आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी A to Z जानकारी लाते रहें। खाद के शेड्यूल, जब हम खेत की तैयारी कर रहे थे तो उसी समय हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट और पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी है। अब हम मूंगफली की फसल पर केवल एक खाद देने वाले हैं, फर्स्ट खाद। जब हमारी मूंगफली की फसल 30 से 35 दिन की होती है तो 45 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व तो किसी अच्छी कंपनी का, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। जो खाद है ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो खाद आपको देना है ज़्यादा से ज़्यादा जब खेत की आप तैयारी कर रहे हों तो उसी समय पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर दीजिए, काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और मूंगफली की फसल पर 30 से 35 दिन की होने पर केवल एक खाद देकर सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। मूंगफली की फसल पर एक और समस्या आती है, जड़ें काली पड़ती हैं, एंथ्रेक्नोज का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और साथ ही जड़ गलन और कॉलर रूट की समस्या का समाधान करने के लिए यदि पर्याप्त मात्रा पर साधन संसाधन हो तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और 2 किलोग्राम गन्ने का गुड़ इन दोनों को घोल करके आपको सिंचाई के माध्यम से जड़ों के पास प्रयोग करना चाहिए। यदि उपयुक्त मात्रा पर यदि यह संभव ना हो तो आप थायोफेनेट मिथाल 70% WP को 500 ग्राम की दर से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार यदि आप मूंगफली की खेती करते हैं तो कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने मूंगफली की उन्नत खेती की A to Z जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और किसान हित पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करने का कष्ट जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके।